भाई साहब हमें खंडा बदलान निर्थान निकलोई ये चुड़का ये निवासी हैं। मैं सुरेंद्र ओम प्रकाश खंडा से हूँ। मेरा एपी यहाँ चुड़का कनेक्शन है अपना। चुड़का से अपने सिस्टम के द्वारा खेत में पानी पहुँचा रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है, कई दिन से कम 15 दिनों से हो रही समस्या। मतलब हर 10 मिनट में कट लगते हैं, 8 घंटे टाइम है, 8 घंटे की बजाय कभी 2 घंटे लाइट मिलती है हमको 10 कट्टों के बाद, कभी 3 घंटे लाइट मिल जाती है, कभी 1 घंटा मिल जाता है, कभी आती भी नहीं है लाइट। है दा हमारे SDO साहब जी ये इसी बारे में आए थे भाई, हमारे मतलब लाइट का समाधान हो, जो भी फॉल्ट हो, छोटी मोटी हो, जो भी बात हो, अपना हमारी हमने लाइट पूरी चाहिए। फिर SDO साहब ने ये कही है कि हमारे को तुम्हारी लाइट पूरी मिलेगी 8 घंटे, जो भी बीच में कटौती होगी लाइट की 1-2 घंटा उसको बाद में रूटीन से हम बढ़ा के देंगे। लाइन का शिफ्ट जो मतलब शिफ्ट होती होता है, माने लोड ज़्यादा हो तो शिफ्ट करने की गुंजाइश होता है, शिफ्ट करो। फिर SDO साहब ने यही बोले तेरे तुम्हारे 2 जोन बना देंगे, VCB लगा करे, उससे फर्क पड़ेगा, फाल्टों में इसमें लोड का ही फर्क पड़ा, हम वो कर दो। SDO साहब ने यही बोला है हमारे पर बाविश, तो भाई साहब कई हजार एकड़ है ये, 5 गाँव ला लो, 6 गाँव की लाइट ला लो, निर्थाने नकलोई बदरियाने मतलब ये चौका खांडा शेरी। हमारी नज़र में ये समाधान है भाई साहब, ये जो लाइन मैन है और ये जेई तो मिले, ये SDO साहब ने कहा है कि जियो जेई है, हमने जेईगा पता नहीं बताई उनकी का है, फोन उठाता ना आएगा दिन मिलाओ, जो फोन जरूरत पड़ जाए फोन नहीं उठा रहे। एक दिन की लाइट में कितने कट तक लग जाते हैं? हमारे पास फोन में डिटेल है, मेरे फोन से चलता है, हर एक मैसेज आता है, एक एक दिन की लाइट में 20 कट लग जाए, 25 भी लग जाए। शेड्यूल कितना आपका लाइट आने का? 8 घंटे का? 8 घंटे सभी का शेड्यूल 8 घंटे में 20 कट लग जाते करीब, 20 भी 25 भी कट लग जाते हैं। और उसमें लाइट टोटल हमको 1.5-2 घंटा मिलती है, 20-25 कट्टों के दौरान 8 घंटे की लाइट में। मैं बलवान सिंह नंबरदार गांव शेरी से हूँ। हमारी शेरी एपी लाइन है जिसमें 6 गांव जुड़े हुए हैं, 6 गांव की लाइट फॉल्ट रहा है, लाइन कमजोर है, फसल बर्बाद हो रही किसानों की, किसान बड़े परेशान हो रहे हैं। हम आज SDO के पास आए थे, पहले तो ये आप अपील करी है SDO साहब से कि हमारा जो है फॉल्ट है और लाइन है वो दूर करे जा। 8 घंटे का शेड्यूल, 8 घंटे में से मुश्किल से 1.5-2 घंटा 2.5 घंटे लाइट आ है। किसान की फसल जो है कई बाजरा बोया हुआ है, कई ज्वार बोए हुए, कई धान बोए हुए हैं, बिल्कुल बर्बादी कगार पर है, बिल्कुल दूर के उनमें त्रेड पाट की चोरी चोरी ना, अब वो पिछले धान लग रहे हैं जो न चालू कर पा रहे हैं ना दही लगा पा रहे हैं। किसान परेशान होकर आखिर खोदे में SDO दफ्तर में आए हैं और SDO से कहा कि हमारा समाधान किया जाए, हमारे 8 घंटे की लाइट पूरी की जाए, वो समाधान करना है SDO साहब ने, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, किसान परेशान हो रहा है। मेन कारण है हमारी लाइन का तारा का कमजोर होना और लोड ज्यादा होना। अब आप क्या करोगे, आप कहाँ शिकायत करोगे? अगर अब यहाँ से हमारा समाधान नहीं होता, वैसे एक्शन खर खोदा जाएगा, चंडीगढ़ भी चले जाएंगे, अब और बैठे हैं मंत्री के पास भी जाने के इच्छुक हम, तो हमारा काम भूखे मरेंगे और क्या करेंगे। 8 घंटे की बिजली में 20 से 25 कट लगते हैं, 6 गांव के किसान परेशान। खरखौदा खंड के गांव सहरी बिधलान नकलाई खांडा चौलक्का व निरथान के किसान सोमवार को बिजली निगम कार्यालय पहुंचे और SDO से मिलकर खेतों की बिजली में लगाए जा रहे बिजली कटों का समाधान करने की मांग की। किसानों का आरोप है कि खेतों में 8 घंटे की बिजली आपूर्ति की जाती है लेकिन उसमें 20 से 25 कट लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण उनके खेतों में सिंचाई ठीक से नहीं हो पा रही है। किसानों ने मांग की है कि उन्हें पूरी बिजली आपूर्ति की जाए और अगर कहीं पर कट लगता भी है तो उसकी भरपाई के लिए अलग से बिजली आपूर्ति की जाए। खरखौदा क्षेत्र के कई गांव के किसान बलवान नंबरदार कृष्ण शमशेर अंकित राकेश संजीत जगदीश सुरेंद्र दीपक कर्मवीर बंसी व सुंदर आदि का कहना है कि उनके खेतों में खांडा फीड से बिजली आपूर्ति की जाती है। बीते 15 दिनों से लगातार बिजली कट लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण उनकी खेती सूख रही है। किसानों का कहना है कि वर्षा नहीं होने के कारण उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। बिजली निगम की तरफ से उन्हें 8 घंटे ही बिजली दी जाती है, उसमें भी 20 से 25 बार कट लगा दिए जाते हैं, जिसके चलते उन्हें करीब 2-2.5 घंटे ही बिजली उपलब्ध हो पा रही है। ऐसे में सीधा नुकसान उन्हें हो रहा है, जिसका समाधान किया जाए। खरखौदा बिजली विभाग के SDO नीरज का कहना है कि किस कारण से बिजली कट लगाए जा रहे हैं इसकी जाँच करवाई जाएगी, किसानों को पूरी बिजली उपलब्ध करवाने का प्रयास होगा। फोन करे
परेशानी बारे तैयारी करवा उसको पावर हाउस पर के धरी जा रहा मशीनरी धरी जा तीन घंटे की औसत है जी 20 घंटा 20 घंटे 3 घंटे की औसत है चार बंदे हैं बाकी आप बाद में तभी मजे साहब को लाइन में मैं बता रहा हूँ रीजन यही है लाइन ना चलने का मान ले बिल दे देंगे जो नए कनेक्शन हुए उनका अकाउंट नहीं भाई चलो पुराने कनेक्शन है और वो दे देंगे फिर हमारी 8 घंटे की ऑटो हो लाइट चाहिए पूरे 8 घंटे लाइट चाहिए हम देंगे मैं देंगे हमारा और आगे दुआ 8 घंटे चलना है ऐसी चीज है जिसको तो कोई नहीं हो कोई ना 10-5 मिनट बात नहीं आदमी पांच गांव पे एक आदमी मेरे पास नहीं और बताओ जी बात भी साहब आपने बताना कहां से बता परेशान घटते फिर बाद में दवा दो पूरी तो करवा दो प्रॉब्लम मजबूरी होगी उसको ये कह रखा जितने घंटे करीब ब्रेक डाउन होते हैं मैं उन और काम में चलवाऊंगा कल एक घंटा और उस तीन घंटे के अलावा आपने कभी कंपनसेट करवाया दो तीन दिन तो मेरे को नहीं खेचन लग रही थी पहले तो लाइन खेचन लग रही थी उससे मैं लाइट ना मिल पाऊ थी आपने फोन करे ना वो है भाई मारा भड़क मत बैठा हो ऊपर फोन करो लाइन मैन करो एसडीओ तो करो जेई तो करो काम हमारा नहीं है भाड़ा होगी तो चालू कराए मैसेज आओगे बंद करना बंद कर देंगे और चालू आओगे चालू कर देंगे काम कर रहे हो चलाओ चला जो भाई
बैठेंगे कोई अनुभव बताएगी ना इसका समाधान होना चाहिए। आठ घंटे लाइट करने तो पावर हाउस में बैठेंगे और मान लो सारे जमींदार इकट्ठे हो गए फिर आप बंदे को एक बार सारी बात है रूटीन द लाइट चलनी चाहिए मान लिया दो घंटा को पांच छह गड़बड़ हो जाए चली गई हमारी बाद में लाइट पूरी होनी चाहिए भाई छह से दो आपका लगातार चलने का टाइम है उस दौरान बीच में दो घंटे तीन घंटे जो ब्रेक डाउन होती है लाइन खराब होती है वो तो किसी के हाथ में नहीं जो मारे छाड़ी देखा रोटी खींचने वाला काम है साहब हमारा खोरा है ना वो किसी काम नहीं ले रहा पूरी बात के सुनो साहब सुनो मेरा काम हो रही है मतलब दो ब्रांड में टीम गेन हो रही ना जी हम तो बेवा दिया अपन अच्छी हो रही है इसे इसे तेरे कितने बोल गरीब वो कौन से जुड़ गए जी जुड़ गए गरीब भी वो परेशानी है आज ये सुन तो वो चल रही है तो चलने दो इतने बात सुन लो एक घंटा नो बता दे वो उसकी पूरी चल रही है छह से दो तो लगातार चलेगी एक कट आएगा तो कट भी नहीं लगेगा और ब्रेक डाउन होगी उसका कोई वो नहीं जितने घंटे ब्रेक डाउन होगी वो रात को कंपनसेट कर ब्रेक और भाई साहब महाराज जो माने मैं बताऊंगा रहने में दिक्कत हो जाए सारी पांच चुका माई कट्टा है अपने इसे सविता तो गाड़ो भाई माने उस वो ठीक ना होती इतना और तो चल जा गलत है भाई सारी ना कट्टा है सारी पांच चुका माई ना कट्टा है पूरे पांच चुका माई जा रहा है नंबर तार उसमें एक बात और बनेगी एक काम करिए फिर कंपन सेट में होगी मान ले खंडा चल गया तो चल गया ये काम फ्लैट चल गई दस मिनट रोल चल गए उनके रिकॉर्ड में चल गया कंबल सेट नहीं होगी कंबल सेट जब हुआ है जब मान ये काम था गट्टी और लाइट में देते नहीं वो वही देख रहे हैं कंबल सेट जब होगा जब मान ले दो घंटे काम लगी तीन घंटे काम लगी उसमें कंबल सेट हो जाएगी अगर वहाँ रिकॉर्ड में रनिंग होगी ना भाई चार टूल चल गए नंबर दादा रहेगा इनका ब्रॉन करेगा आपके चल गए उस समय पहले कंपन सेट करना कंपन सेट है मेरी सोने कंपन सेट आपको हो जाए हमारी लाइट पूरी दे दो जो कट गई बाद में दे दो दो घंटे कट गई बात करें कब हो कल दो बात किया बना दो उस दिन की थी चौके इनका कहना है की भाई आठ घंटे बिजली सप्लाई में 20-25 कट लगते हैं और करीब दो तीन घंटे की मुश्किल से बिजली आ रही है हमारी लाइन अलग करी जाए वो तो पावर हाउस से डाटा निकलवा के बताना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा कितने घंटे फिल्टर चला है तो जल्दी से मत आने की मत है हाँ आज से पूरे आठ घंटे चलेगी तो बात करें कंपन सेट करा सकते हैं उसका शेड्यूल जैसे आठ घंटे में छः घंटे की लाइट आई है तो दो घंटे बच गए उसको कैसे करेंगे जिस टाइम हमारे पास लोड अवेलेबल होगा जैसे 12-1 बजे बाद रात को जैसे उसमें एडजस्ट हो जाएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को।